क्या हुआ भाई? मोटर का पानी चला गया भाई, पूरा खत्म। मोटर का पानी चला गया कि पूरा लाइट ही चला गया? नहीं, लाइट है, पानी खत्म। अच्छा, लाइट है, पानी खत्म। रास्ते के साइड में हो गए हैं, मतलब रास्ता उधर से है ना। हम लोग जा रहे थे रूम के लिए और रास्ते में हमारा गाड़ी ही बंद हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं अब। अब गिरा के लेके जाना पड़ेगा, तो चलिए निकलते हैं रूम के लिए। और अभी हम काफी ज्यादा थक गए थे, तो हमारे आकाश भाई लेके चल रहे हैं, ये देखिए। और हमारे अरुण भाई धक्का देते देते थक गए थे, तो ये भी अब पैदल चल रहे हैं। आकाश भाई, हालत तो खराब हो गया बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सब एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। और इधर देखिए, दोपहर का मौसम कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम और बहुत ही तेज धूप निकला है दोस्तों। और अभी आए हैं हम लोग काम करने के लिए, ये देखिए, इसी बिल्डिंग में काम करने के लिए भी हम लोग आए हैं। हम आए हैं और हमारे आकाश भाई आए हैं, सामने देखिए, उधर हमारे आकाश भाई काम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे आकाश भाई। इसमें सीमेंट को एकदम अच्छे से भरा जाएगा, जो कि ये जो फटा है ना, इसमें सीमेंट भर के एकदम अच्छा से कर देंगे। और अभी दोस्तों, हम लोगों को इस कटिंग बैठाना है, तो मालिक हम लोगों को लेके जा रहे हैं ऊपर दिखाने के लिए ना। मालिक, कहाँ पर बैठाना है बताओ? इधर, किधर? इधर बैठाना है दोस्तों, हम लोगों को इस कटिंग बैठाना है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर है ना, वैसे ही हम लोगों को एकदम सेम यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर सब टूट गया है ना, क्या है इधर से? हाँ, इधर तक। और बस साइड, चलो दिखाओ। मालिक के साथ चल रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर बैठाना है, कहाँ कहाँ पर हम लोगों को लगाना है। हाँ, इधर तक, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, सब भर देंगे इधर। इधर भी है दोस्तों, ये देखिए, दो तीन पट्टी यहाँ पर भी लगेगा और सामने आगे और लगेगा। इधर एक दो पट्टी, एक पट्टी बैठेगा। हाँ, इधर भी देखिए, एक पट्टी इधर भी बैठेगा और हाँ इधर भी बैठेगा। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए तो नीचे चलते हैं, नीचे से काम करके आते हैं, तो उसके बाद में ऊपर लगाएंगे हम लोग। और अभी दोस्तों, हमारे अरुण भाई और आकाश भाई और राम नरेश भाई, तीनों जन मिलके ये देखे कपड़ा और बिस्तर धो रहे हैं एकदम अच्छे से और पूरा मौज मस्ती के साथ धो रहे हैं। अरुण भाई, कभी गांव में अपना बिस्तर धोए थे क्या? कभी नहीं भाई। और आकाश भाई, आप कभी भी थे? कभी नहीं। यहां पर आने के बाद धुलना पड़ रहा है, धोना पड़ रहा है। ये देखिए, लातों से काल काल के बिस्तर को धोया जा रहा है दोस्तों एकदम अच्छे से। और पूरा पानी इधर देखे इसमें जा रहा है, मतलब इधर एक नाली है ना, तो इसी में से जा रहा है पानी। और अभी हमारे भाई लोग तो कपड़ा धो रहे हैं और बिस्तर धो रहे हैं, तो चलिए अब हम भी थोड़ा बहुत लग जाते हैं धोने के लिए। और नहाना धोना है हमको, तो सबसे पहले बिस्तर धो के नहा धो लेते हैं, उसके बाद में खाना पीना कर लेते हैं। क्या हुआ भाई? मोटर का पानी चला गया भाई, पूरा खत्म। मोटर का पानी चला गया कि पूरा लाइट ही चला गया? नहीं, लाइट है, पानी खत्म। अच्छा, लाइट है, पानी खत्म, पानी खत्म। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसा होता है, मतलब लाइट है और मोटर में सिर्फ पानी खत्म हो गया है ना अरुण भाई? हाँ भाई। तो फिर कभी आएगा? आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद आएगा, मतलब जैसे टोटी में पानी आता है टाइम टाइम पे, वैसे ही हमारे इधर के मोटर में पानी आता है, मतलब कभी आता है कभी रुक जाता है, कभी आता है कभी रुक जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको हम धुल देते हैं। कैसे धुलेंगे भाई, पानी ही नहीं है। और अभी हम लोग आए हैं मार्केट करने के लिए, बाजार करने के लिए आए हैं, और हमारे साथ हमारे अरुण भाई भी आए हैं। मतलब आज ना वो दूसरे साइड पे चले गए थे काम करने के लिए और हम लोग दूसरे साइड पे गए थे काम करने के लिए। ये देखिए, ये रहे हमारे अरुण भाई। और भाई, बढ़िया भाई, आज काम कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। तो आज हम लोगों को मार्केट आने में काफी ज्यादा लेट हो गया है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सब सामान ले लेते हैं जो जो हम लोगों को लेना है, मतलब हफ्ते दिन का राशन ले लेते हैं ना। हाँ। चले डायरेक्ट बाजार में चलते हैं। और अभी दोस्तों, मार्केट खत्म होने के बाद अभी हम लोग आए थे, तो हम लोगों को ज्यादा सामान नहीं मिला है। ये देखिए, इतना ही सामान मिला था जो कि अभी हम लोग ले लिए हैं। मतलब पहले मार्केट में हम लोग आते थे तो पूरा सामान, पूरा बोरा हम लोगों को घर भर जाता था ना। हाँ। लेकिन अभी नहीं भरा है, तो चलिए अभी इसको हम लेके चलते हैं अपने रूम पे, क्योंकि ज़्यादा सामान तो नहीं मिलागा हम लोगों को। और अगले मार्केट में जब आएंगे तब उसके बाद में सामान लेंगे। आज हम लोगों को काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए भी हम लोग लेट तो आए हैं ना। हाँ। तो चलिए, मार्केट अभी हम कर लिए हैं, अब सीधा चलते हैं रूम पे। और अभी हम तीनों भाई जा रहे थे रूम के लिए, और हमारे रास्ते में मतलब फिर से गाड़ी खराब हो गया, जैसे हमारा उस दिन खराब हो गया था ना, आज भी वैसे ही सेम खराब हो गया है दोस्तों। और अभी हम लोगों को 1 किलोमीटर जाना है रूम पे, तो क्या ही कर सकते हैं, और उस दिन की तरह आज भी गाड़ी को घिरा के लेके जाना पड़ेगा ना आकाश भाई? हाँ। मजा आएगा कि नहीं? नहीं, मजा नहीं आएगा, पैर दर्द कर रहा काम पर से। और आप करुण भाई? हाँ। आपका क्या हाल है? अच्छा है भाई, अभी धक्का मारेंगे। उस दिन हमारे अरुण भाई बैठ के गए थे और हमारे आकाश भाई धक्का दे रहे थे और हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे,
लेकिन ऐसा आज नहीं होगा, आज हमारे आकाश भाई ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और हमारे अरुण भाई धक्का देंगे और हम गाड़ी को लेके चलेंगे रूम की तरफ। ये देखे दोस्तों, अभी हम लोग रास्ते के साइड में हो गए हैं, मतलब रास्ता उधर से है ना, हम लोग जा रहे थे रूम के लिए और रास्ते में हमारा गाड़ी ही बंद हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं, अब गिरा के लेके जाना पड़ेगा, तो चलिए निकलते हैं रूम के लिए। देखो भाई, हमारे विजय भाई चला गाड़ी ले जा रहे हैं, अरुण भाई धक्का दे रहे हैं। देखो देखिए देखिए भाई, विजय भाई तेल खत्म हो गया है ना, इसलिए थोड़ा आनंद ले रहे हैं अभी हम लोग। ये हमारे अरुण भाई को मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं मजा, अरुण भाई को ज्यादा मजा आएगा ना, धक्का दे रहे हैं। अरे तो तीनों लोग ऊपर के चलेंगे, पैदल चलेंगे, पारी पारी लेके चलेंगे। और हाँ दोस्तों, हम लोग अपना राशन भी लिए हैं, ये देखिए, मतलब जितना भी सब्जी का जरूरत था ना, इसमें भी हम लोग रखे हैं और इसको भी लेके जाना पड़ रहा है साथ में। तो चलिए निकलते हैं रूम के लिए। हमारे अरुण भाई मटर निकाल के खा रहे हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं, सत्यारी में मटर निकाल के खाना पड़ेगा ना। और अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमारे आकाश भाई लेके चल रहे हैं, ये देखिए, और हमारे अरुण भाई धक्का देते देते थक गए थे, तो ये भी अब पैदल चल रहे हैं। आकाश भाई हालत तो ख़राब हो गया बहुत। हमारे अरुण भाई कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो भाई? गाड़ी नहीं छुएंगे, मतलब बोल रहे हैं ना कि धक्का देने के लिए गाड़ी ही नहीं छुएंगे। और हम लोग रूम पे पहुंचने वाले हैं, क्या ही बताएं दोस्तों, रूम पे आते आते बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है, मतलब हम लोगों का गाड़ी ना 2 किलोमीटर पहले ही बुझ गया था और आते आते काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। और अभी खाना बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं हमारे आकाश भाई, ये देखिए क्या क्या बनेगा। साग चावल रोटी, साग चावल रोटी, और ये देखिए साग है, पालकी का साग है, और इसमें धनिया भी छोड़ा गया है दोस्तों, और पालकी का साग है, और मटर भी है, मटर भी है, जो कि अभी क्या बोल रहे हो, मटर भी है अभी छिलके डाल रहे हैं। और अभी हमारे आकाश भाई सब सामान को वहाँ पर सेट कर दिए हैं, ये देखिए, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग रखते हैं सामान वहीं वहीं पर रख दिए है ना, सब रख दिए। चावल भी लेकर आया, हाँ चावल भी, उधर देखिए चावल भी उधर है, और हमारे इधर देखिए कितना कचरा घान हो गया है, अभी इसको साफ करना पड़ेगा। मतलब जब हम मार्केट में जाते हैं ना हम लोग, और जब सामान लेके आते हैं तो बहुत ही कचरा घान हो जाता है। और हाँ, आज हम लोगों को खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग मतलब आने में तो लेट ही हो गया था, काम वैसी, जब हम लोग मार्केट गए थे और मार्केट से आते आते काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, मतलब 1 घंटा लग गया मार्केट से आते आते ना। हाँ, 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटे से ऊपर लग गया है। और अभी चल रहे हैं बर्तन मांजने के लिए, और अभी हमारे आकाश भाई पालकी के सब काट लेते हैं, और अभी थोड़ा सा बर्तन बचा है तो उसको हम माँज देते हैं। और अभी एकदम अच्छे से बर्तन को हम धुल दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर रख दिए हैं सारे बर्तन को। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, अगर आप सभी को हमारे इस छोटे से ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर हमें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आप सबसे किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।